का मकसद क्या है? जब मैंने तुम लोगों को पैसे दे दिए उसके बाद भी तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो मेरे साथ, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? तुम लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, जानते हो? जब तुम लोगों को मेरा काम ही नहीं करना था तो फिर ये सब कुछ क्यों? झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों किया ये सब कुछ? मैं तुम लोगों को देख लूंगी। मैंने उससे कहा भी था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन उसको मेरी बात पे यकीन नहीं आया। लेकिन अब आ जाएगा। सुंबल, 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 मेरी बच्ची, सुंबल। और अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं जिंदगी से नाराज हो जाऊंगी शाजिद। सुंबल, अगर तुम मुझसे दूर गए शाजिद तो मैं जी नहीं सकूंगी। कैसी बातें कर रही हो? प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जीना सिखाया है शाजिद, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैं मर भी सकती हूँ। आज के बाद अगर तुमने ऐसी कभी बात की तो मैं तुमसे सचमुच में नाराज हो जाऊंगा। और अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं जिंदगी से ही नाराज हो जाऊंगी शाजिद। ज़ारा, छत पे दो लोगों के कदमों के निशान हैं। इसका मतलब सुंबुल के साथ और भी कोई था। ये सुंबुल का लैपटॉप था, लेकिन पासवर्ड लगा हुआ है। ब्रेक द पासवर्ड मुश्किल है। इसका मतलब है लॉगिन नहीं होगा। मैंने कहा मुश्किल है, ये नहीं कहा कि नामुमकिन है। ओके। मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में इसका डेटा जाया हो जाए। एनीवेज, ये बताओ कि सुंबुल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? कल तक आ जाएंगे। हम आज ही अपनी कस्टडी में ले लें। ओके। मिशेल, हमें इस केस को काफी बारीकी से हैंडल करना होगा। ठीक है। सुंबुल का लैपटॉप मैंने हमाद की कस्टडी में दे दिया ताकि इसका पासवर्ड हैक हो सके। सही। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। वो तो जिंदगी से भरपूर थी, जिंदगी जीना चाहती थी, वो जिंदगी को बहुत ज्यादा खुशी से जीती थी। वो खुदकुशी नहीं कर सकती। घर में उस वक्त और कौन कौन मौजूद था जब सुंबुल टेरेस से नीचे गिरी? मैं थी, सुंबुल थी और हमारी मुलाजमा सफिया थी। तो इस वक्त कहाँ है वो? घर में ही है, बुलाती हूँ मैं उसको। सफिया, तुम उस वक्त कहाँ थी जब सुंबुल टेरेस से नीचे गिरी? तुम्हें कितनी बार मना किया मैंने? मेरे रूम में मत आया करो। वो बस थोड़ी सी डस्टिंग थी तो मैंने कहा मैं वो कर दूं। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वो डस्टिंग। मैंने कहा निकल जाओ। क्या हुआ सफिया, कहाँ खो गई? वो मैं किचन में थी, बड़ी बीबी जी के लिए चाय बना रही थी। सुंबुल का कमरा आखिरी बार तुमने कब साफ किया था? वो मैंने आज सुबह ही किया था, तकरीबन 10 बजे तक। अच्छा सफिया, ये बताओ कि तुम्हें कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए?
मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो अब सच सच बताओ कि घर में कौन कौन आता जाता है। ज्यादा लोग नहीं आते, बस सुम्बुल बीबी के कुछ फ्रेंड्स आते हैं और शाहजेब साहब। वो सुम्बुल बीबी के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। शाहजेब? हमार शाहजेब को कल इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएं। ओके, मैं कल ही उसे बुलाता हूँ। शाहजेब, तुम सुम्बुल के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सुम्बुल ने कभी ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे ये कदम उठाना पड़ा? क्या मतलब है आप लोगों का? मतलब ये कि सुम्बुल की मदर के स्टेटमेंट के मुताबिक तो वो नहायत जिंदा दिल और बहादुर लड़की थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, वो एक बहादुर और निडर लड़की थी। मेरी तो ये बात खुद समझ में नहीं आ रही कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। छत पर दो लोगों के कदमों के निशान हैं। एक तो सुम्बुल है, मगर ये दूसरा कौन हो सकता है? सफिया? सफिया? शाहजेब भी तो हो सकता है, मगर पता नहीं क्यों मुझे सफिया पर शक हो रहा है। अभी इतनी जल्दी कुछ फाइनल करना ठीक नहीं होगा हम्माद। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। हम्माद, मोबाइल डेटा और एसएमएस डिटेल्स कब तक मिल जाएंगी? 24 घंटों के अंदर अंदर तमाम डिटेल्स यहाँ मौजूद होंगी। ओके, आखिर पता तो चले ऐसा था क्या उस सेलफोन में जो सुम्बुल ने मरने से पहले उसे तोड़ना बेहतर समझा। हो सकता है कि उसने ऐसा गुस्से की वजह से किया। हो सकता है। ज़ारा, ये लैपटॉप कब तक अनलॉक हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में डेटा जाया हो जाए। ठीक कह रही हो ज़ारा, हो सकता है इसी से हमें मुजरिम तक पहुंचने का कोई सबूत मिल जाए। हेलो, क्या ये क्या कह रही हैं आप? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हारा शक ठीक था बिल्कुल, हमें अभी सुम्बुल के घर जाना होगा। चलो। मैंने अच्छी तरह से देख लिया, कुछ भी नहीं है। सुम्बुल के पास तो लाखों की ज्वेलरी थी। मैं बहुत कहती थी उसको कि मेरे पास रखवा दे, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। बहुत शौक था उसको डायमंड पहनने का। मामा, ये डायमंड रिंग कितनी अच्छी है ना। हाँ मेरी गुड़िया, ये तो बहुत प्यारी है। तुम तो इतर भी पहनो तो सोना लगेगा, ये तो फिर हीरा है। मामा, आपकी बेटी किसी हीरे से कम है क्या? अरे मेरी गुड़िया, तुम तो इस दुनिया के तमाम हीरो से बढ़कर हीरा हो मेरे लिए। आई लव यू मॉम। हां मेरी बेटी। सफिया, तुम कुछ जानती हो इस बारे में? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं कुछ भी तो नहीं। तुमने मेरी रिंग को हाथ कैसे लगाया? इधर दो मेरी रिंग। मामा से कह के मैं तुम्हें खड़े खड़े निकलवा दूंगी, समझी तुम? माफ कर दे सुम्बुल बीबी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रोज कोई ना कोई गलती और उसके बाद माफी।
अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता, कसम ले ले मैं कुछ नहीं जानती। तुमसे जब कोई सवाल पूछा जाता है तो तुम ऐसे ही कहीं खो जाती हो, आखिर हो क्या जाता है तुम्हें? हाँ वो कहीं भी नहीं, कहीं नहीं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा सफिया। मगर इसने क्या किया है, इसे क्यों लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ? आप घबराइए मत, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं। चले मैडम। मैंने कुछ नहीं किया, आप इनको समझाए ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। खामोशी से हमारे साथ चल रही हो, वरना हमें और भी बहुत से तरीके आते हैं। चलो। देखो अब सब सच सच बोल दो। मैंने सब सच ही बोला है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम सब सच जान चुके हैं। सुंबुल को टेरेस से धक्का तुम ही ने दिया था। तुमसे वो लोग बहुत क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत घबराना। नहीं नहीं कसम ले ले, मैंने धक्का नहीं दिया। सुंबुल भी तो मुझसे इतना प्यार करती थी, मैं भला क्यों उनकी जान लूंगी? तुमने धक्का नहीं दिया तो फिर और कौन दे सकता है? तुम्हारे और आंटी के अलावा उस वक्त घर में कोई नहीं था। मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर तुम्हारे कदमों के निशान टेरेस पे क्यों हैं? मैं गई थी, मैं सफाई करने गई थी। सुंबुल भी किसी से बहुत गुस्से में बात कर रही थी। तुम लोग का मकसद क्या है? जब मैंने तुम लोग को पैसे दे दिए उसके बाद भी तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो मेरे साथ, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? तुम लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। जब तुम लोग को मेरा काम ही नहीं करना था तो फिर ये सब कुछ क्यों? झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों किया ये सब कुछ? फिर क्या हुआ? और फिर उन्होंने जमीन पर मोबाइल फेंक कर तोड़ दिया और वहीं खड़े खड़े सोचों में गुम हो गई। और तुमने उसे पीछे से धक्का दे दिया। बोलो ऐसा ही हुआ था ना? नहीं नहीं मैंने उनको धक्का नहीं दिया, मैं तो उनको बचाने गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने छलांग मार ली। तुमने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? तुमने ये क्यों कहा कि तुम किचन में थी जिस वक्त सुंबुल नीचे गिरी? वो मैं डर गई थी। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये बताओ कि सुंबुल की लाखों की ज्वेलरी कहाँ गई? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो उनके कमरे में तभी जाती थी जब वो खुद घर पे मौजूद होती थी। तो फिर कहाँ गए लाखों के जेवर? मैं कुछ नहीं जानती। वो क्या? वो मुझे लगता है सुंबुल बीबी ने किसी को दे दिए होंगे। दे दिया होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है सुंबुल बीबी किसी बड़ी मुसीबत में थी, वो बहुत परेशान थी और फोन पे किसी से पैसे लेन देन की बात भी कर रही थी। क्या लगता है कि लड़की से बोल रही? हो भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें सुंबुल के बैंक अकाउंट डिटेल्स का भी जल्दी पता लगा लेना चाहिए। हो गया लॉगिन। ओह नो, क्या हुआ ज़ारा? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा लगता है सुंबल ने अपना सारा डेटा डिलीट कर दिया है, जैसे उसने अपना फोन तोड़ दिया था। पता नहीं क्यों मगर मेरा दिल तो अब भी नहीं मान रहा। इस केस के कैमरा एविडेंस हमारे यहाँ लग चुके हैं, सुंबल की बैंक स्टेटमेंट। इससे तो लगता है कि इस अकाउंट से काफी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। सुंबल के अकाउंट से पिछले 6 माह में 25 लाख रुपए ट्रांसफर हुए और उससे पिछले 6 माह में सिर्फ 5 लाख रुपए। इसका मतलब है कि सुंबल इन सब में कई महीनों से फंसी हुई थी। ओ, इसका मतलब ये कत्ल का नहीं खुदकुशी का केस है। ठीक कह रही हो सारा, बज़ाहिर तो ये खुदकुशी है मगर ये खुदकुशी होने के बावजूद एक कत्ल भी है, ऐसा कत्ल जो किसी जालिम शख्स की बेहिसी की वजह से हुआ है। अब सुंबल के फोन रिकॉर्ड्स आ जाएं तो बाकी की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और मैं शाहजेब से कल ही जाके मिलता हूँ, क्या पता है इस केस के मुतालिक और इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाए। हमें सुंबल का कॉल डेटा जल्दी हासिल करना होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें नहीं पता कि सुंबल ने पैसे किसे दिए हैं? मैं आपसे कितनी बार कहूं कि मुझे कुछ नहीं पता, आप क्यों मुझे बार बार परेशान करने के लिए आ जाते हैं? शाहजेब साहब, हमें तुम्हें परेशान करने का कोई शौक नहीं है। यहाँ एक बेकसूर लड़की का कत्ल हुआ है और हम उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं, और याद रखना कि उसके कातिल को तो हम ढूंढ ही रहेंगे। एक नंबर है जिससे सुंबल के नंबर पर काफी कॉल्स आई। किसका नंबर है ये? राब्ता किया तुमने? सुंबल का क्लास फेलो शाहजेब। शाहजेब? हाँ शाहजेब। सुंबल और शाहजेब एक दूसरे को पसंद करते थे। जब मैंने शाहजेब से पैसों के बारे में मालूमात हासिल की तो वो कम्प्लीटली शॉक हो गया। हो सकता है कि उसे वाकई कुछ ना पता हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि सुंबल के नंबर पर ज्यादातर कॉल शाहजेब की हैं, लेकिन शाहजेब के नंबर पर एक और नंबर से भी कॉल आई हैं और शाहजेब की जानिब से की भी गई हैं। दूसरा नंबर? किसका है ये दूसरा नंबर? जवेरिया। जवेरिया? ये कौन है? जवेरिया सुंबल और शाहजेब की क्लासमेट है। समझ रहे ना आप लोग मेरी बात? तुम्हारा मतलब है कि शाहजेब सुंबल के साथ वक्त गुजार रहा था और दोस्ती जवेरिया के साथ निभा रहा था। एग्जैक्टली। एक और बात भी है। हमात लगता है कि तुमने केस सॉल्व कर लिया है। गुज़िश्ता 6 माह में जवेरिया और शाहजेब के अकाउंट में एग्जैक्ट सेम अमाउंट ट्रांसफर की गई है, और वो अमाउंट कितनी हो सकती है ये तो हम सब जानते ही हैं। तो फिर देर किस बात की? बुलाओ इन दोनों को हमारे मेहमान खाने में। एक मासूम लड़की की जान ली है इन्होंने। सुंबल और मैं एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, शायद मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? अच्छा तो फिर ये क्या है? पता नहीं मैडम। मेकअप कैसे जवेरिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। चलो बेवफाई तो समझ में आती है, मगर ये ब्लैकमेलिंग, ये कहां से आई तुम्हारे दिमाग में? ये सब जवेरिया का प्लान। क्या ये क्या कह रही हो तुम? जैसा मैं कहती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। जवेरिया? लेकिन अगर सुंबल को पता चल गया तो? उसकी फिक्र मत कीजिए आप, उसका भी मैंने बंदोबस्त कर लिया। जवेरी का ख्याल था हम सुंबल से पैसे लेकर यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, मगर तुम तो एक बिजनेसमैन के बेटे हो, तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत? अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं है शाहजेब, क्योंकि अब तुम दोनों कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते।
अगर सच बोलोगे तो शायद कानून तुम्हारी कुछ मदद कर सके और तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए। हाल ही में मेरे डैड को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मैं जवेरिया की बातों में आ गया। जवेरिया, तुम तो सुंबुल की बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो फिर ये सब क्या है? मैं लालच में अंधी हो गई थी। जवेरिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं शाजिब से प्यार करती हूँ और मैं भी शाजिब को चाहने लगी हूँ। तुम कैसी दोस्त हो जवेरिया, एक दोस्त हो के अपनी दोस्त के साथ उसके प्यार के साथ प्यार करने लगी। दिल पर कब किसी का जोर चला है, मोहब्बत है, हो गई। ये मोहब्बत नहीं, ये लालच है। तुम्हें शाजिब से नहीं, उसकी दौलत से प्यार। अच्छा, अगर ये लालच है तो तुम पूरा कर दो मेरा ये लालच। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगी तुम्हें पैसे। ठीक है, तो तुम मुझे 25 लाख रुपए दे दो, मैं शाहजेब की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मगर तुमने सुंबुल को मारा कैसे? बोलो। ये काम मैंने अकेले नहीं किया। तो फिर कौन था जिसने सुंबुल को टेरेस से धक्का दिया? सफिया। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूं तो तुम मेरा एक काम करोगी? 5 लाख? हाँ, 5 लाख। मगर काम क्या है? तुम सुंबुल को जान से मारो। क्या? इतना चौंकने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ कि तुम सुंबुल से कितनी नफरत करती हो। हाँ, मैं नफरत करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं उनको जान से मार दूँ। सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते और ये 5 लाख तुम्हारी तनख्वाह से बहुत ज्यादा। सोचो मत, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। मैं तुम्हें कल फिर फोन करूंगी, अब तुम जाओ। तुमने मासूम सफिया को भी अपनी लालच की भेंट चढ़ा दिया। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसमें शाहजेब का और सफिया का कोई कसूर नहीं है। आप लोगों को जो सजा देनी है मुझे दीजिए। सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन अब बस ये दोनों भी नहीं सकते। काश तुम बोल जान पाती कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना बेहानत चेहरा छुपा हुआ है।